के बारे में कुछ कुछ बातें हम जानते जा रहे हैं, ठीक है आज का हमारा टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्या है, और ये जो तीन है। इन तीन में किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किस तरह से हम दिमाग में बसा सकते हैं कि एग्जेक्टली exactly जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो क्या पूछ रहा है ठीक है सपोज करिए उसने क्वेश्चन पूछा पी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है आप में से कुछ बोलेंगे दो और कुछ बोलेंगे राइट right? अब उसने क्वेश्चन किया पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं राइट right? तब आप बोलेंगे दो तो अब यहां पे देखिए ऑर्बिटल वर्ड जब यूज हुआ तो आपने आंसर दिया दो दैट इज करेक्ट बट सबसे यूज हुआ और आपने आंसर दिया दो तो दैट इज रॉन्ग तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स प्रिसाइजली समझे जाने चाहिए कि ये क्या है हम कहा क्या यूज करते हैं मीन्स जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका इंटरप्रिटेशन किस तरह से करना है क्योंकि मेरा मानना यह है कि कॉम्पिटिशन्स में जो क्वेश्चन है ना वो डिफिकल्ट नहीं होते डिफरेंट होते हैं एक छोटा सा शब्द वहां पे मायने बदल देता है ठीक है तो इसलिए आपको इन छोटे छोटे वर्ड्स को समझना विजुअलाइज करना जरूरी है तो आज हम इन तीन वर्ड्स पे फोकस करेंगे कि किस तरह से हम इसको विजुअलाइज करें सबसे पहले देखते हैं ऑर्बिट के बारे में राइट डेफिनेशन क्या निकलती है डेफिनेशन निकलती है ऑर्बिट इज इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल एनर्जी बाउंड्रीज प्रेजेंट विद इन एन एटम ठीक है दैट सिंपली मीन्स अब देखिए यहां शब्द का मायने देखिए वर्ड्स जो है वो किस तरह से हम यूज कर पा रहे हैं या किस तरह से हमें यूज करने चाहिए वो देखिए हमने वर्ड यूज किया इमेजिनरी या वर्ड यूज किया हाइपोथेटिकल व्हाट डज इट मीन इसका मतलब है कि ये दोनों ही चीजें नॉट विजिबल इन एन एटम ये दोनों वर्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि ऑर्बिट जैसी चीज एटम में नहीं दिखाई देती ठीक है और ये बात मैंने आपको बताई भी थी याद करिए ऐसा एटम दिखाया था अब इस एटम में ऑर्बिट दिखाई नहीं दे रही है ध्यान से देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको ये सबसेल दिखाई दे रही है जो टू एस है ये ग्रे कलर की सबशेल दिखाई दे रही है जो वन एस सबसेल आप कह सकते हैं राइट right? और यहां जो ये पॉइंट दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस है राइट right? थोड़ा सा आगे ले जाते हैं ये न्यूक्लियस ठीक है और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये सारे के सारे जो सिलेंड्रिकल सबशेल्स दिखाई दे रही हैं, ये कौन सी सबशेल्स हैं? ये 2p ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स है तो भाई ऑर्बिट तो दिख नहीं रही और ऑर्बिट दिखती नहीं है यही बात हम ध्यान में रखेंगे किसी भी आइटम में ऑर्बिट हमें दिखाई नहीं देती कैसे आप इमेजिन कर सकते हैं ऑर्बिट को ये देखिए ये जो बनी अभी इट इज फर्स्ट ऑर्बिट ये जो है ये फर्स्ट ऑर्बिट राइट ठीक इसी तरह से ये देखिए ये बन गई सेकेंड ऑर्बिट मीन्स ये इमेजिनरी बाउंड्री है जो ऑर्बिटल्स या सबशेल्स आप देख रहे हैं रियल सेंस में उनकी आउटरमोस्ट बाउंड्री को हमने कंसीडर किया है एज एन ऑर्बिट ठीक है यहां तक फर्स्ट ऑर्बिट का दायरा है यानी बाउंड्री है और यहां पर सेकेंड ऑर्बिट का दायरा है यानी बाउंड्री ठीक है जी क्लियर है यहां तक बात तो ऑर्बिट क्या होती है ये समझ में आता है अब इसका एक लाइव एग्जाम्पल समझते हैं मैं अगर बात करूं तो मैं इसको एक घर की तरह से मानता हूं ठीक है सपोज किसी फैमिली में चार लोग हैं पेरेंट्स हैं ठीक है हस्बैंड वाइफ और उनके दो बच्चे अब ये चारों को अगर हम एज एन इलेक्ट्रॉन कंसीडर करें तो हर एक किसी से जब पूछा जाएगा कि साहब आप कहाँ पाए जाते हो मीन्स आपके पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां पर है तो वो क्या बताएंगे अपने घर का एड्रेस देंगे कि साहब हम यहां पाए जाते हैं ठीक है अगर आप उनको इलेक्ट्रॉन्स की तरह से कंसीडर करेंगे तो वास्तव में ये जो है ये जो आपको दिखाई दे रहा है घर ये उनके पाए जाने की मैक्सिमम प्रॉबेबिलिटी वाली जगह मीन्स अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम वो यहां पर गुजारते हैं ठीक है थीके? क्लियर है तो आ जो पेरेंट्स है उनकी इनर्जीज डिफरेंट होंगी बच्चों की एनर्जीज डिफरेंट होंगी अगर हम पेरेंट्स और बच्चों को एक सिंपल वे में चार इलेक्ट्रॉन्स की तरह से मान लें यानी मदर फादर प्लस किड्स ठीक है तो इन चारों के लिए जो सिचुएशन होगी वो क्या होगी कि इनके पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहां पर होगी ये उनकी क्या हो गई ऑर्बिट हो ठीक है तो आप याद रखेंगे कि ऑर्बिट जो है ये इस तरह की इमेजनरी बाउंड्री है राइट right? हालांकि यहां पर आपको ये रियल में दिखाई दे रही है बट वास्तव में जब कोई बंदा कोई भी शख्स अपने घर का एड्रेस बताता है तो वो किसी को विजिबल नहीं होता वो हो सकता है सोलो घर हो वो हो सकता है फ्लैट हो वो हो सकता है कोई अपार्टमेंट हो एंड सो ऑन तो आपको समझने का जरूरत है कि इसको हम मान सकते हैं एक इस तरह की बाउंड्री जहां इनके पाए जाने की ये जो डिफरेंट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है राइट right. अब हम इससे आगे चलते हैं अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑर्बिटल मींस वो रियल चीज या वो रियल स्ट्रक्चर जो एटम के अंदर हमें दिखाई देता है ठीक है कैसे डिफाइन करते हैं इट इज द रियल स्पेस विद इन एन एटम

ऐसा ऑर्बिटल कहते हैं ठीक है या फिर कैसा दिखाई देगा ऐसा दिखाई देगा अलोंग द एक्सिस ये आपको दिखाई दे रहा है या दिस वन जो फर्दर अलोंग द वाई एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है एंड दिस वन जो अलोंग द एक्स एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है बट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस अलोंग दिखाई दे रहा है ठीक है इसको आप क्या कहते हैं यू कॉल इट पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल में ये कहलाती है पी जेड जो जेड एक्सिस के अलोंग है ये कहलाती है पी वाई जो वाई एक्सिस के अलोंग है और ये कहलाती है पी एक्स जो एक्स एक्सिस के अलोंग है ठीक है जी क्लियर है आगे चले इससे अगला देखते हैं अब ये जो आपको दिखाई दे रही है ये डी ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल्स में आप जब देखते हैं तो पांच ऑर्बिटल्स आपको दिखाई देती हैं ठीक वन बाय वन देखते हैं तो ये डी वाई जेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ध्यान से देखिएगा वाई और जेड एक्सिस के बीच में है राइट डी एक्स वाई इलेक्ट्रॉन क्लाइव क्लाउड एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है डी ठीक है अकॉर्डिंगली एक्स और जेड के बीच में काउंट हो रहा है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डी सबशेल्स डी ऑर्बिटल्स में इट इज द ओनली ऑर्बिटल एक्सेप्ट दिस वन इसके अलावा ठीक है यहां पे भी आपको जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये Z एक्सिस के दिखाई दे रहा है और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो X और Y एक्सिस के दिखाई दे रहा है ठीक है तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली जेई -E में आया है ध्यान रखना है आपको कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है ये पांचों की पांचों क्या कहलाती है डी ऑर्बिटल्स कहलाती है। सब जानते हैं ठीक है जी थी? क्लियर है तो ऑर्बिटल को उस घर में कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं वो जो घर आपने देखा था उस घर में ये जो कमरा है सपोज आप उस घर में रहते हैं मींस पेरेंट्स और किड्स में से एक आप ठीक है तो आप इस कमरे में पाए जाते हैं मींस ये आपका कमरा है उस घर के अंदर बहुत सारे हिस्से होंगे किचन होगा बाथरूम होगा ठीक डिफरेंट रूम्स होंगे बेडरूम्स होंगे ठीक है उसमें से ये आपका जो है वो बेडरूम है अब इस बेडरूम में भी खास बात देखिएगा बेडरूम में भी आप हर जगह नहीं पाए जाएंगे आप इस बेडरूम में हो सकता है अपना मैक्सिमम टाइम यहां गुजारते हो यानी पढ़ाई करते हो या हो सकता है अपना मैक्सिमम टाइम यहां गुजारते हो लेटे रहते हो रेस्ट करते हो इट इज अप टू यू तो ये वो इलाका है जहां आपके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है तो जब हम दो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स की तो वो अगर हमने बोला कि ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है दैट मींस किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी हम बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की उनकी इन द ऑर्बिटल पाए जाने की प्रॉबेबिलिटी मैक्सिमम है आप कमरे में अपने कमरे में वो इलाका जहां पर सबसे ज्यादा टाइम गुजारते हैं वो वास्तव में आपकी ऑर्बिटल है ठीक है क्लियर है अब हम तीसरी चीज पे चलते हैं सब्शल्स क्या होती है अगर हम डिफाइन करेंगे अगर डेफिनेशन वाइज चलेंगे तो दीज आर द एग्रीगेशन ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सिमिलर इनर्जी ठीक है एग्जैक्टली सिमिलर एनर्जी की ऑर्बिटल्स के ग्रुप्स हैं या एग्रीगेशन है अब यहां भी समझने की जरूरत है ठीक ये देखिए यहां पे सबसे पहले आपको एस और पी सबसेल्स दिखाया है ध्यान रखिए एस ऑर्बिटल और एस सबशेल ये दोनों सेम होते हैं मीन्स एस ऑर्बिटल और एस सबशेल सेम है दैट मीन्स एस सबशेल में भी दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और एस ऑर्बिटल में भी दो इलेक्ट्रॉन आएंगे ठीक है वहां डिफ्रेंशिएशन नहीं ठीक है और ये एस सबशेल आपको सर्कुलर दिखाई दे रही है स्पेरिकल रादर नॉट सर्कुलर उसके बाद ये जो आपको सिलेंड्रिकल या डबल शेप्ड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या है पी सब शेल है इट इज पी शेल अब ये किस किस से मिलकर के बनी है ये मिलकर के बनी है पी एक्स पी वाई और पी जेड से राइट इन तीन से मिलकर के बनी है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए दो इधर दो इधर और दो इधर यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया सिक्स तो अब आप ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन मैंने शुरुआत में पूछा था अगर आपसे पूछा जाए पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है ठीक है तो दो इलेक्ट्रॉन है कोई भी पी ऑर्बिटल हो सकती है यह जरूरी नहीं है कि वो पी एक्स पी वाई पी स्पेसिफाई करे ठीक उसी तरीके से अगर वो पूछता है पी सबसे में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपने ध्यान रखना है सिक्स इलेक्ट्रॉन्स, राइट तो वर्ड्स की इंपॉर्टेंस समझिए एग्जामिनेशन में इन्हीं वर्ड्स के साथ आपसे ट्रिक खेली जाती है आपने ध्यान रखना है कि आप उस ट्रिक को कैसे टैकल करेंगे राइट right? क्लियर है तो पी सबशेल और पी ऑर्बिटल या हम बोले और ऑर्बिटल में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आता है अब उसी को आगे ले चलते हैं देखिए ये जो आपको दिखाई दे रही है ये डी सप्शन है यहां पर आपको दिखाई दे रहा है देखिए ठीक इसको भी ध्यान से देखिएगा इसका ये कॉलर दिखाई दे रहा है इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉलर कहते हैं एक सवाल जो कभी भी फिलर की तरह से आ जाता है दैट इज जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉलर होता है यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक कॉलर की तरह से भी प्रेजेंट होता है तो आपसे पूछ लेगा कि डी ऐसी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक तो ये आपको दिखाई दे रहा है डी जेड स्क्वायर देन डी वाई जेड और डी एक्स वाई ठीक है क्लियर है ये पांचों दिखाई दे रही है अब जब आपसे एफ ऑर्बिटल की शेप की बात की जाती है तो एफ ऑर्बिटल में आपके लेवल पर आपको ध्यान रखना है एफ ऑर्बिटल की जो शेप है वो डिफ्यूज बताई जाती है समझिएगा आपके लेवल पर डिफ्यूज है वास्तव में वो डिफ्यूज नहीं है एक्चुअल में क्या है जब आप रियलिटी में चलते हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को समझते हैं तो पहले कोऑर्डिनेट्स आए एक्स वाई जेड ये आ गए पी सबसेल के कंपैरिजन में फिर इसका फर्स्ट डिग्री का जब डिफरेंशिएशन किया तब आ गए एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर यह डिफ्रेंशिएशन आपने किया फर्दर और इसी का जब सेकंड डिग्री का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ सबसेल्स या एफ ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर बनेगा ठीक है वो डिफरेंशिएशन आपके लेवल पर ओमिटेड है इसलिए आपको नहीं बताया जाता इसीलिए वहां पे वर्ड यूज किया जाता है डिफ्यूज बट रियलिटी में आप अगर देखेंगे तो वहां दो सिस्टम्स बनेंगे इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दो सिस्टम्स बनेंगे उन दो सिस्टम्स के अकॉर्डिंग ही एफ ऑर्बिटल्स के नाम होते लेकिन क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है इसलिए आपको उसके बारे में सोचना भी ठीक है अब ये सब शेल्स को घर के किस हिस्से के कंपेरेबल समझ सकते हैं ये रहा घर के अंदर डेफिनेट स्ट्रक्चर्स होते हैं ठीक है आप देखेंगे ये देखेंगे, ये देखिए आपको लिविंग रूम दिखाई दे रहा है ठीक ये एक बेडरूम है ये दूसरा बेडरूम है ये तीसरा बेडरूम है जिसमें से कोई भी आपका कमरा हो सकता है और ये टॉयलेट्स बने हुए हैं ये किचन है जो आपकी मदर के लिए सबसे प्रीशियस प्लेस है जहां उनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है ऐसा सा है जो भी खाना बनाएगा राइट right? तो ये जो चीज है ये सब की फॉर्म में आपको दिखाई देगी मीन्स अगर आप एक घर को ध्यान में रखेंगे तो इन तीनों वर्ड्स को प्रॉपर वे में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे जिसको मैं यहां समराइज कर देता हूं वो देखिए एस ऑर्बिटल ये आ गया ऑर्बिटल्स राइट अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे इन तीनों के मिलने से क्या बन जाएगा इन तीनों के मिलने से यू विल गेट अब शिल अकेले अकेले यह क्या है ऑर्बिटल से ठीक है ये बेचारी ऑर्बिटल भी है यही सब शेल भी है राइट right. और इन्हीं को जब आप कंबाइन करेंगे ठीक तो बन जाएगा ऑर्बिट ये बन जाएगा ऑर्बिट ठीक है राइट right. तो यहां आप कंपेयर कर सकते हैं ये रही ऑर्बिट किसी भी फैमिली के लिए ठीक ये रही सबशेल किसी भी फैमिली के लिए और ये रही ऑर्बिटल्स किसी भी पर्टिकुलर बंदे के लिए किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए ठीक है तीनों को आप आसानी से दिमाग में रख सकते हैं और तीनों वर्ड्स को दिमाग में रखना जरूरी है जब केमिस्ट्री को समझना है तो इन तीनों शब्दों का डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए अदरवाइज ना तो केमिकल बॉन्डिंग आएगी समझ में और एटॉमिक स्ट्रक्चर तो आएगा ही नहीं और आगे की जो चीजें हैं जहां भी कोई एक्सप्लेनेशंस दिए हुए होंगे चाहे वो पी ब्लॉक में हो चाहे वो डी और एफ ब्लॉक में हो वो भी समझ में नहीं आएंगे ठीक है जी राइट right. तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर के आऊंगा अगले वीडियो में ठीक है कीप वॉचिंग